राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। बॉलीवुड में कपूर फैमिली की होली बहुत मशहूर है। पृथ्वीराज कपूर के जमाने में शुरू हुई होली मनाने की परंपरा को राज कपूर ने कायम रखा। राज कपूर के जमाने में आरके स्टूडियो की होली का इंतजार इंडस्ट्री के लोग बेसब्री से करते रहते थे। अब ना तो राज कपूर रहे, ना ही उनके जैसी होली पार्टी करने वाले लोग। राज कपूर की होली पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिन भर खूब मौज मस्ती करते थे, लेकिन सबके जाने के बाद शाम 4 बजे लगभग आरके स्टूडियो में खास मेहमान किन्नर आते थे। राज कपूर का नियम था कि हर साल वे किन्नरों के साथ होली जरूर खेलते थे। रंग गुलाल के बाद किन्नरों संग गाने बजाने की महफिल सजती थी। कहते हैं कि राज कपूर किन्नरों पर बहुत भरोसा करते थे, अपनी अपकमिंग फिल्मों के गाने सुनाते थे। जब किन्नरों की मंजूरी मिल जाती थी तभी उस गाने को अपनी फिल्मों में रखते थे। 1985 में रिलीज हुई चर्चित फिल्म राम तेरी गंगा मैली का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है। हमेशा की तरह राज कपूर किन्नरों को इस फिल्म के गाने सुनवाए। बाकी सारे गानों पर किन्नरों की हरी झंडी मिल गई, लेकिन एक गाने पर उन्हें आपत्ति थी। जब किन्नरों को गाना पसंद नहीं आया तो राज कपूर ने संगीतकार रविंद्र जैन को बुलाया और इसके बदले एक नया गाना बनाने को कहा। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के गानों में से एक गाना किन्नरों को पसंद नहीं आया, फिर राज कपूर ने उनकी सलाह का मान रखते हुए नया गीत बनवाया जो सुन साहिबा सुन बनकर तैयार हुआ। जब गाना बनकर तैयार हुआ तो फिर से किन्नरों को सुनवाया जो उन्हें बेहद पसंद आया। किन्नरों ने राज कपूर से कहा था, देख लेना ये गीत सालों चलेगा, और ऐसा ही हुआ। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।